धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज हमसे मैं आपके साथ हूं। अक्रम रेस्तान पूजा पाठ की आड़ में कुछ तथा कथित साधु संत यानी पांडे पुजारी लोगों को लूटने का ठगने का काम तो कर ही रहे हैं। 16-16 लाख के जेवरात तो लेकर फरार हो ही जा रहे हैं। साथ ही श्रद्धालुओं की बहु बेटियों की इज्जतों पर डाका डालने का काम भी कर रहे हैं। जी हां, साथ ही श्रद्धालुओं की बहु बेटियों की इज्जतों पर डाका डालने का काम भी कर रहे हैं। और हैरत की बात तो यह है कि इन वारदातों को उस राज्य में अंजाम दिया जा रहा है जहां के मुख्यमंत्री खुद एक साधु हैं, खुद एक पुजारी हैं, खुद एक महंत हैं, खुद एक धर्म गुरु हैं। कैसे कैसे ये घटनाक्रम सामने आए और इसको लेकर किस तरह से भोपू मीडिया में खामोशी छाई हुई है, हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ठगी वाली खबर आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। ठगी वाली खबर राजस्थान के कोटा शहर से आई। आप जानते हैं कोटा शहर से ही आते हैं ओम बिड़ला और वर्तमान समय में लोकसभा के स्पीकर हैं यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और अपने यशस्वी ओजस्वी वक्तव्य देने के लिए जाने जाते हैं और विपक्ष के माइक बंद कराने के लिए भी खूब जाने पहचाने जाते हैं। तो इसी ज़िले का एक थाना है जिसे आप कह सकते हैं कुन्हाड़ी। कुन्हाड़ी थाने का एक इलाका है जिसे आप कह सकते हैं आदर्श नगर। वहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो में काम करने वाले एक शख्स रहते हैं जिनका नाम है हरिओम मीणा। उनका जो बड़ा बेटा है वो कोमा में है और वो एक लंबे समय से कोमा में है। तो वो अक्सर कर अपने घर पर पांडे पुजारी को बुलाते रहते हैं, पूजा पाठ कराते रहते हैं या जगह जगह मंदिरों में मठों में भी जाते रहते हैं। शनिवार की सुबह की बात बताई जा रही है कि वो सब्जी लेने के लिए बाजार की तरफ गए। उसी दौरान उन्हें एक पुजारी मिल गया, एक साधु मिल गया और उसने कहा कि पहले बच्चे हमें जो है स्टैंड तक छोड़ दो, फिर बैठ के बात करने के बाद कहने लगा कि चलो तुम्हारे घर चल के चाय पीते हैं। हरिओम मीणा को लगा कि क्या पता बाबा घर जाएं और बाबा की दृष्टि हो जाए और उनका बेटा जो कुमा में पड़ा हुआ है वो ठीक हो जाए। लेकिन बाबा ने घर में जाकर कुछ ऐसा चमत्कार किया कि 16 लाख के गहने लेकर फरार हो गया। और फरार भी कैसे हुआ, पत्नी कहती रही हरिओम मीणा की कि जो गहनों से भरा हुआ बैग है वो गायब है, वो मिल नहीं रहा। लेकिन हरिओम मीणा पत्नी की बात सुनने के बजाय उस तथा कथित साधु को अपने साथ बाइक पर बैठा कर स्टैंड पर छोड़ा है। काफ़ी देर बाद इनको जो सम्मोहित कर रखा था, इनका कहना है इनका वो सम्मोहन टूटा और उसके बाद इनको इसका एहसास हो पाया। इन्होंने इस बाबत पुलिस को सूचना दी है, पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तो जो साधु संत हैं पूजा की आड़ में किस तरीके से लोगों को ठगने का लूटने का काम कर रहे हैं, यही नहीं उनकी इज्जतों पर भी डाका डाल रहे हैं, वो भी देख लीजिए। यह खबर उत्तर प्रदेश से आई है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम बदलकर कल को विध्यांचल किया जाएगा। आप जानते ही हैं क्योंकि वहां पे विद्या वासिनी का मंदिर है और विश्व विद्या वासिनी के मंदिर को भी कहा जा रहा है कि जैसे काशी कॉरिडोर बनाया गया वैसे ही उसको भी जो है डेवलप किया जा रहा है, उसका भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो वहां पर घूमने के लिए पहुंच गया अलीगढ़ का एक परिवार। ये भी ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखता है, पहले बनारस गया, बनारस के बाद फिर मिर्जापुर चला गया और तमाम देवियों के यहाँ घूमने के बाद इसने सोचा कि कुछ पूजा पाठ करा लें। तो यहाँ पर एक तथा कथित साधु आ गया, पांडे आ गया, पुजारी आ गया जिसका नाम राजा मिश्रा उर्फ राज पांडा बताया जा रहा है। उसने कहा कि वो पूजा करेगा, बंद कमरे में पुत्र वधु को ले गया इस परिवार की और उसके साथ छेड़छाड़ की। पुत्र वधु ने शोर मचा दिया, उसके बाद वो माफ़ी तलाफी मांगने लगा और वहाँ से भागने का प्रयास करने लगा। इस बाबत खुद उस पुत्र वधु के ससुर जानकारी दे रहे हैं, उन्हीं की जबानी सुन लीजिए। बताएं आप विंध्याचल दर्शन के लिए आए थे? भैया हम दर्शन करने आए, हमने तीनों देवियों के दर्शन किए, माँ विंध्यवासिनी दर्शन किए, राज मिश्रा चूक पहले से हमारे परिचित थे, हम एक दो बार दर्शन करने आए तो मिले थे। इन्होंने हमसे कहा कि भैया कुछ पूजा करनी है आपकी वाइफ की, तो मैंने कर दो भैया। तो इन्होंने पूजा कराई, बोले हल्ला हो रहा है तो कमरे में बैठा लो, मैंने बैठा लो। 2 मिनट में वाइफ की पूजा उन्होंने चूक किया हुआ छोटी, तो बोले पुत्र वधू करा दूं, मैंने नहीं करा दो। तो इन्होंने कुंडी बंद कर दी, मेरी कुंडी को बंद की, इतनी देर में उन्होंने इसके जो है जो जगह नहीं छूनी चाहिए वहां हाथ डाल दिया, बहू रोने लगी। अब वो माफी मांगने लगे, हमसे गलती होगी, मेरी गलती नहीं होगी भैया, तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी, योगी का राज है, महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, सरकार आप चल रही है और ऐसा थोड़ी होगा, माफ कर दो। माफ नहीं करूंगा भैया, मेरी बहू साथ क्या होगी। आपका शुभ नाम क्या? राकेश शर्मा, समरव स्वर्गीय श्री सुग्री शर्मा, MIG 11 ADA कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़ जी। आप लोग कब से आए हैं? हम तो कल बनारस थे, आज अभी आए हैं, 3 बजे दर्शन किए, तो 4 बजे की घटना है, हम 4 बजे यहाँ दर्शन करके, हमारी ट्रेन है रात को यहाँ पे इससे मिर्जापुर से। तो इस संबंध में आपने जानकारी किसी को दी है?
हमने 112 में जानकारी दे दी है, अपने रिलेशन में सबको जानकारी दे दी है। हम तो और आपको दे रहे हैं। ये आपकी बहू जो है इनका क्या नाम है? ये रूबी शर्मा, रूबी शर्मा पत्नी आदेश शर्मा, आदेश शर्मा मेरा बेटा, आदेश शर्मा सोनम राकेश शर्मा, हम चार लोग आए थे। मतलब आप लोग आपके बहू के साथ अभद्रता, अभद्रता और जो जो चीजें नहीं छूनी चाहिए टच नहीं करनी। सुन लिया आपने किस तरीके से पीड़ित ससुर ने बताया कि कैसे पुत्र वधू के साथ इस धार्मिक जगह पर ये कांड करने की कोशिश की जा रही थी। तो ऐसा नहीं है कि कुछ तथाकथित साधु संत लोगों को सिर्फ ठगने का लूटने का काम कर रहे हैं, श्रद्धालुओं के साथ गई उनकी बहू बेटियों की इज्जत पर डाका डालने का काम भी कर रहे हैं। और ये सब कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जहाँ रात दिन धर्म कर्म की बातें की जा रही हैं। खुद वहाँ के मुख्यमंत्री एक साधु हैं, एक महंत, एक पुजारी हैं। एक सवाल यहाँ पे वैसे ये भी बनता है कि मीडिया इस मुद्दे पर क्यों खामोश बना हुआ है? उसे इस मामले को मुखरता से उठाना चाहिए ताकि आदित्यनाथ योगी और चाक चौबंद व्यवस्था करें और जो बहु बेटियाँ श्रद्धालुओं के साथ जा रही है कोई भी इस तरीके का तथाकथित साधु संत पांडा पुजारी उसकी इज्जत पर डाका डालने का प्रयास ना कर सके, सोच में भी ना ला सके। ये तो वो मामले हैं जो सामने आ जाते हैं और पर्दे के पीछे ना जाने क्या क्या हो रहा है या हो जाता है जो कभी सामने नहीं आता है, उसके बारे में तो बात ही क्या करें। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या बुलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।